हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मल्टीपल कंपनीज के आज रिजल्ट आए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे, देखेंगे उनके रिजल्ट, ताकि एक हमें आइडिया लग सके कि हम जिन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या करने वाले हैं वो बेहतरीन कंपनी है या नहीं है, एक आइडिया लग जाता है, बस दैट्स इट। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट की, तो आज की डेट में दो वीडियोज ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका फार्मा के ऊपर, एज वेल एज बात करें यहाँ पर IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इन दो शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जाके देखिए, काफी बेहतरीन वीडियो है। एज वेल एज बात करें वीडियो की, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको डेली बेसिस पे इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें हमारे चैनल के साथ। आइए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कैरेसिल। कैरेसिल एक स्टॉक है, ओके। अगर बात करें इस स्टॉक की, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई दिए हैं, और ड्यूरिंग द मार्केट इसके रिजल्ट आ गए थे। तो देखें यहाँ पर 1.2 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नज़र आई है, फाइनल डिविडेंड है। सो इट विल टेक टाइम। अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड, तो रिजल्ट जो है इसके इन लैक्स में है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। टोटल इनकम अगर देखते हैं 84,466, ओके 70,882, इससे पहले 5,164, तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस जंप है, और अदर इनकम यहाँ पर ऐड हो रही है, ओके। बट स्टिल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन बात करें, तो यहाँ पर दोनों बेसिस पे सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस की बात करते हैं, कंपनी के एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हुए दिखाई है, 7,163, इससे पहले लगभग 6,000, इससे पहले लगभग 4,895, तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए हमें नज़र आया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, तो 767 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 843 था, इससे पहले 169 था। तो ईयरली बेसिस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बट क्वार्टरली बेसिस यहां पर गिरावट होती ही नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। कंपनी के इस बार के एक्सपेंस काफी ज्यादा होते हुए नजर आए हैं। EPS भी देख सकते हैं, 2.87 रुपये का है इस बार का, इससे पहले 3.16 रुपये का था, इससे पहले 65 पैसे का EPS था। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है। तो इस चीज़ को देख के और इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके, तब आप कोई भी पोजिशन बना सकते हैं, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर EPL एक कंपनी का नाम है। अगर बात करते हैं यहाँ डिविडेंड, तो कंपनी ने 2.05 रुपये का डिविडेंड फाइनल तो देती हुई नज़र आई है। इट विल टेक टाइम टू कम इन टू योर अकाउंट। अगर बात करते हैं यहाँ पर, एक रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर उसके बाद ही यहाँ पर सारा डिसीजन लिया जाएगा। इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। अगर इनकम की बात करें, तो 8,132, इससे पहले 7,718, इससे पहले 6,903। तो ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। एक्सपेंस की बात करें, 7,391, इस बार के एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए हैं, इससे पहले 6,773 था, इससे पहले 6,215। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 568, ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेड टू, तो यहाँ पर देखते हैं 568, ओके, मिलियन से रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 709 था, इससे पहले 486। तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीमेंट है, बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीमेंट है, बट अगर बात करें एनुअली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि इसके EPS से भी आप देख सकते हैं, 1.80 रुपये का EPS इस बार, इससे पहले 2.25 रुपये का, इससे पहले 1.54 रुपये का। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बात करें ठीक ठाक है। इसके अलावा हम नज़र मारते हैं हैवल्स से पहले अगर बात करें, तो ब्लू स्टार के रिजल्ट आए थे, काफ़ी बेहतरीन थे। वोल्टास के भी आई थिंक रिजल्ट आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। अब बात कर लेते हैं हैवल्स की, तो हैवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिविडेंड आई थिंक, हाँ, 3.50 रुपये का यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड देती हुई नज़र आई है, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी है भी, नो डाउट। अगर लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे, इन करोड्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें, 3,368 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले 3,205, इससे पहले 2,235। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टरली बेसिस में भी यहाँ पर अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, 2,914 करोड़ के एक्सपेंस है, इससे पहले 2,700, इससे पहले 2,000। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आया, जो कि इम्पैक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। नेट प्रॉफिट की
की बात करें 302 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, इससे पहले 349 था, इससे पहले 173। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स। टोटल यहाँ पर इनकम टैक्स यहाँ पर मतलब बात की जाए तो कंपनी का टैक्स बढ़ता हुआ नजर आया है, इस वजह से यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आया, टैक्स बढ़ता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और ईपीएस की बात करें 4.83 का ईपीएस है, 5.58 का, इससे पहले 2.83 है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बस यहाँ पर एक्सपेंस और टैक्स की वजह से कंपनी का बात करें तो यहाँ पर गिरावट क्वार्टरली बेसिस पे नजर आ रही है। बाकी कंपनी के अच्छे रिजल्ट अच्छे हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट मुझे ब्लू स्टार के लगे, ईयरली बेसिस पे लगभग 7-8 टाइम्स यहाँ पर जम था, क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर डबल का जम था। इसके बाद बात कर लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपी जिसे कहते हैं। अगर बात करें डिविडेंड की तो यहाँ पर देखना पड़ेगा डिविडेंड कंपनी ने दिया है या नहीं, या फिर एक बार आप देख लीजिएगा इसका डिविडेंड से रिलेटेड। यहाँ पर सीधे नंबर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर नीचे नंबर दे रखे हैं, तो अगर यहाँ पर चलते हैं तो इन करोड्स में ही नंबर है। टोटल इनकम की बात करें 85,748 करोड़ के, इससे पहले 78,273, इससे पहले 71,978। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे जंप है, ऑब्वियसली बात है जंप होना क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन का पीरियड था, यहाँ पर अनलॉकिंग के फेज शुरू हो गया था। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दिया, 81,000, इससे पहले 75,000, इससे पहले 73,000। तो अगर हम देखते हैं एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 3,017 का यहाँ पर करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 2,354, इससे पहले 26 करोड़। मतलब ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ने कमाल करके दिखा दिया है और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस है, जो कि आप यहाँ पर अगर हम बात करें ईपीएस की तो ईपीएस यहाँ पर देख सकते हैं। तो ईपीएस 20 रुपये का ईपीएस है, जो कि एक साल पहले केवल 18 पैसे का ईपीएस था, और बाकी यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप है, 15 रुपये का ईपीएस 24 का। तो कल की तरफ ध्यान दीजिएगा, कल ये कंपनी भागती हुई नज़र आ सकती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर शायद फाइनल डिविडेंड 22.75 रुपये का यहाँ पर अनाउंस किया है कंपनी ने, जो कि टाइम लेके आपको मिल जाएगा। एचपी पेट्रोल पंप की तरफ, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ ध्यान दीजिएगा, HPCL कहते हैं इसे। अगर बात करें यहाँ पर JK लक्ष्मी सीमेंट, ओके, इसके भी रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी ने डिविडेंड 3.75 रुपये का डिविडेंड दिया है, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की तो यहाँ पर नंबर्स है कंपनी के, इन करोड़ में ही नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन नंबर है। टोटल इनकम 1,349 करोड़, इससे पहले 2,213, इससे पहले 1,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे जंप है। टोटल एक्सपेंस 1,131, इससे पहले 1,000, इससे पहले 953। तो एक्सपेंस में भी जंप है। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर आफ्टर टैक्स यहाँ पर सब चीज़ देख लेते हैं फॉर द पीरियड एट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर देख लीजिए 136 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 102, इससे पहले 100। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर ईपीएस से आप देख सकते हैं 11 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 8 था, इससे पहले 8.56 रुपये। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर कंसोलिडेट अगर आपको देखना है तो कंसोलिडेट भी देख सकते हैं। कंसोलिडेट 160 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 118, इससे पहले 98। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाया है, तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिए कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट। एज वेल एज बात करते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन, केएनआर कंस्ट्रक्शन ने अभी बोनस भी देते हुए नजर आई थी, 25 पैसे का डिविडेंड भी दिया है, बोनस या स्प्लिट होता हुआ नजर आया था शेयर, ओके, अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ यहाँ पर अगर बात करें तो कुल 3-5 महीने पहले ही यहाँ पर बोनस या स्प्लिट आते हुए दिखाई दिया था। यहाँ रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, केएनआर कंस्ट्रक्शन है, टोटल टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, 94,516 लाख रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले 71,000 था, इससे पहले 68,000। तो कंपनी ने ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, 79,000 लगभग 80,000 के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस है, इस बार का पहले 60 था, इससे पहले भी लगभग 60 था। तो कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7,697 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 7,757 था, इससे पहले 6,720। तो कंपनी का ईयरली वाइज तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, बट क्वार्टरली वाइज की बात करें थोड़ी सी गिरावट है, या कह सकते हैं फ्लैट यहाँ पर रिजल्ट हमें नजर आए हैं। यहाँ पर ईपीएस देख लिए 2.74 रुपये का इस बार का, 2.76 रुपये लास्ट टाइम का था, 2.59 रुपये कंपनी का लास्ट टाइम का ईपीएस है। तो कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस करके दिखाया है, कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक लिमिटेड, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं इस कंपनी के बारे में,
तो यहाँ पर डिविडेंड कंपनी दिया है या नहीं देख लीजिएगा एक बार। बट इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये एक मिनट, ये इस बार का रिजल्ट है लास्ट टाइम के, और ये Q4 के लास्ट ईयर के, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल रिवेन्यू की, तो 9,290 लाख रुपीज़ से पहले 89,95 लाख रुपीज़ से पहले 88,54 लाख रुपीज़। तो क्वार्टरली एनुअली बेसिस में यहाँ पर जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं, 8,605 इससे पहले 8,000, इससे पहले 8,549। तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखते आफ्टर टैक्स के, तो यहाँ पर देख लीजिए 215 लाख रुपीज़ से पहले 643, से पहले 505। तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर अगर बात करें कंपनी का गिरावट होती हुई नजर आई है, जो कि ईपीएस में भी देख सकते हैं। 1.36 रुपये का ईपीएस इस बार है, इससे पहले 4 रुपये का था, इससे पहले 3 रुपये का। तो कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा हुए है, इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र हमें साफ आया है। तो यहाँ पर मंगलम से थोड़ा सा दूर रहिएगा, कल शेयर गिरता हुआ नजर आ सकता है। एज वेल एज बात करते हैं यहाँ पर रिलैक्सो, रिलैक्सो के रिजल्ट भी ड्यूरिंग द मार्केट आ गए थे। अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए थे। कंपनी ने 2.50 रुपये का ईपीएस दिए, डिविडेंड देती हुई नज़र आई है, फाइनल डिविडेंड। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर देख लीजिए इन करोड्स में, अगर यहाँ पर देखते हैं तो टोटल इनकम 7,054 लाख करोड़ के है, इससे पहले 675, इससे पहले 544 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यू होती हुई नज़र आई थी, जो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, तो 616 करोड़ का एक्सपेंस है, इससे पहले 555, इससे पहले 475। तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नज़र आए हैं। बट यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 102 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, इससे पहले 90 करोड़ का था, इससे पहले 51 करोड़ का। तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे लगभग दोगुना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, 2x, और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो लगभग 102 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। अगर बात करते हैं ईपीएस के, 4.11 रुपये का ईपीएस है इस बार, इससे पहले 3.63 रुपये था, इससे पहले 2.09 रुपये का यहाँ पर ईपीएस नजर आया। तो कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट है रिलैक्सो, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाटा के रिजल्ट किस तरीके से होंगे। एज वेल एज बात करते हैं टोरेंट फार्मा की, तो टोरेंट फार्मा के रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं। फाइनल डिविडेंड 5.50 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं थोड़ा, तो अगर यहाँ पर देख लीजिए इन करोड़ में ही यहाँ पर रिजल्ट है। अगर बात करें इनकम की, तो कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है 3,070 करोड़ के आसपास है, इससे पहले 2,928, इससे पहले 2,987। अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का पर अगर बात करें इनकम में जंप है, बट फ्लैट कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ही है, इतना खासा जंप नहीं है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी लगभग नॉर्मली होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 2,594 करोड़, इससे पहले 2,505, इससे पहले 2,618 करोड़। तो कंपनी के ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस कम है, बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 414 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 345, इससे पहले 222 करोड़ माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट था। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे लगभग अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो कल कंपनी शायद अगर भागती हुई नजर आ सकती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर की कंपनी, जैसे टाटा, एज वेल एज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अडानी पावर, तो दोनों से अच्छा रिजल्ट ने यहाँ पर पेश करती हुई कंपनी नजर आई है। यहाँ देख सकते हैं 8.83 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 7 रुपये का था, इससे पहले 4 रुपये माइनस में यहाँ पर ईपीएस था। तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। तो कल देखिएगा शायद भागती हुई कंपनी नजर आए। इसके अलावा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। 25 पैसे का कंपनी ने यहाँ पर ईपीएस दी, डिविडेंड देती हुई नज़र आई है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते कुछ इसके पैरामीटर्स की, तो यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर रिजल्ट। तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर होप आपको सबको दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम की यहाँ पर देख लीजिए 72,741 लाख रुपीज़ से पहले 71,000, इससे पहले 62,798। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर कंपनी के अच्छे खासे यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए, 70,000, इससे पहले 66,000, इससे पहले 62,000। एक्सपेंस भी बढ़ते हुए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं,
ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 लाख रुपीज़ से पहले 3605, इससे पहले 978। तो ईयरली वाइज कंपनी ने 2x परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली वाइज कंपनी ने लगभग काफ़ी अच्छा घाटा करता हुआ कंपनी ने मतलब गिरती हुई नज़र आई है, जो कि ईपीएस में भी आप साफ देख सकते हैं। 47 पैसे का ईपीएस इस बार का है, 84 पैसे का लास्ट टाइम था और 23 पैसे का उससे पहले था। तो कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा बेकार। उषा मार्टिन स्मॉल मतलब बात करें बड़ा छोटा शेयर है, तो लोग ज़्यादा इसके पीछे भागते भी रहते हैं। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर न्यूज़ में भी काफ़ी बताया जाता है उषा मार्टिन 5% 10% का बोल के सर्किट लगवा देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं उषा मार्टिन के रिजल्ट आ गए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार डिविडेंड वगैरह अगर दिया होगा तो एक बार देख लीजिएगा, NSE की साइट पर जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं, एक बार यहाँ पर देख लीजिए स्टैंड अलोन यहाँ पर रिजल्ट है, इन लैक्स है, और यहाँ पर टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं ये इस बार के ये Q4 के Q3 के, तो टोटल इनकम की बात करते हैं 44,536, इससे पहले 36,000, इससे पहले 31,000। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 39,000 मतलब एक्सपेंस भी ज़्यादा होते हुए दिखाया है, इससे पहले 33 था, इससे पहले 28, तो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,611, इससे पहले 2,434, इससे पहले 268 लाख रुपीज़ का यहाँ पर माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट था। अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया, क्वार्टरली बेसिस पे भी 2x यहाँ पर परफॉर्म किया। तो कंपनी अब अपर सर्किट में चलेगी, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे मिले एक बार बिजनेस एनालिसिस करके एज वेल एज फाइनेंशियल एनालिसिस करके फिर उसके बाद कंपनी पे आगे बढ़ सकते हैं। ईपीएस की यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.51 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 80 पैसे का, इससे पहले कंपनी 0.09 पैसे का यहाँ पर माइनस में ईपीएस चल रहा था। तो यहाँ पर ये सारी कंपनी के रिजल्ट है, उषा मार्टिन के रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए है। एज वेल एज अगर बात करें इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के नेगेटिव रिजल्ट है, तो ज़्यादा पीछे मत पड़िएगा। टोरेंट फार्मा के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, फार्मा के भी अच्छे आए थे और टोरेंट पावर के भी अच्छे रिजल्ट है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर इस कंपनी की एक है रिलैक्सो, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंपनी का नाम मंगलम बकवास कंपनी रिजल्ट है, तो इससे दूर रहिएगा। एज वेल एज बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन फ्लैट रिजल्ट है, JK लक्ष्मी अच्छे रिजल्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम अच्छे रिजल्ट है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर हैवल्स फ्लैट रिजल्ट है, इतने खास नहीं है, ब्लू स्टार से बिल्कुल कम नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज बात करें EPL लिमिटेड, ओके नॉर्मल रिजल्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्रेसिल, यहाँ पर भी नॉर्मल रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। तो इन कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाए गए हैं, बाकी आपको कौन से रिजल्ट अच्छे लगे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हमें हमसे कुछ क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।